दर्शकों स्वागत है आपका उत्तराखंड दिनभर में। आइए डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर एक नजर। कांग्रेस ने अपनी सतत विकास संकल्प यात्रा का आगाज लंडौर से किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और सीएम हरीश रावत ने शिरकत की। वहीं भीड़ जुटाने के लिए लड़कियों से अश्लील डांस भी कराया गया। साथ ही भाजपा और सतपाल महाराज पर हमला बोलते हुए सीएम ने सतपाल महाराज को फकीर कहते हुए कहा कि वे अपनी संपत्ति उनसे बदलवा सकते हैं। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले से आम जनता को हो रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में किए गए धरना प्रदर्शन के साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। गैरसैंण विधानसभा सत्र में भाग लेकर लौटे श्रम मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने गैरसैंण में हुए सत्र को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में पेश हुए 1507 करोड़ के अनुपूरक बजट से जहां विकास कार्यों को गति मिलेगी तो कई विकास परक नई योजनाएं निर्माण भी शुरू होंगे। जोशीमठ क्षेत्र के ग्राम सभा ढाक में कार्यरत 520 मेगावाट वाली जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी द्वारा 150 हरे पेड़ों को काट दिया गया, जिसके विरोध में गांव वाले भड़क उठे हैं। राजकीय महाविद्यालय थतियुड़ में छात्र छात्राओं के द्वारा थतियुड़ बाजार के अलगाड नदी और बाजार में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ समस्त स्टाफ ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मसूरी पुलिस ने कोतवाली प्रभारी बीबीडी जुयाल के नेतृत्व में माल रोड पर नो पार्किंग पर लगे वाहनों को हटाने के लिए अभियान शुरू किया। अभियान में पहले दिन एनएचओ जुयाल एवं पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों को माल रोड का महत्व समझाते हुए माल रोड पर वाहन पार्क न करने की हिदायत दी। 500 व 1000 के पुराने नोटों के बंद होने से जहां इन दिनों बैंकों में लंबी लंबी कतारों से जनता को जूझना पड़ रहा है, तो वहीं युवा मोदी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि मोदी के इस फैसले से देश में एक नया बदलाव आएगा और भ्रष्टाचार को अंजाम देते चेहरे ज्यादा दिनों तक छुपे नहीं रहेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। राज्य की तमाम खबरों को आप देख सकते हैं devbhoominews.com पर।